वफाकी दारुल हुकूमत में शंघाई तआवुन तंजीम का मेला सजा हुआ है। वफूद दर वफूद का कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इन वफूद का न सिर्फ जो है वो पुरतपाक इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि पाकिस्तान अपनी भरपूर डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ शो कर रहा है। ऐसे में ही शहर इक्तदार में एक और बड़े काम की बुनियाद रख दी गई है और वह है कौमी असम्बली का इजलास। अभी तक पार्लियामानी जराए के इतलात के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 17 अक्टूबर की शाम को तलब करने का फैसला किया गया है। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिए जाएंगे। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में आइनी तरमीम मसवदे पेश किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत आइनी तरमीम कराने की मुकम्मल काविश करेगी। हुकूमती और तहादी अरकान को अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आइनी तरमीम पर इतफाक़ हो गया है? क्या आइनी तरमीम का तराजू थामे मौलाना मान चुके हैं? अगर मौलाना नहीं मानते तो क्या 63A की तशरीह से फ़ायदा उठाकर फ्लोर क्रॉसिंग की जाएगी या फिर इलेक्शन कमीशन किसी भी लम्हे स्पीकर के दूसरे खत पर मखसूस नशस्तों का फैसला करने वाला है? ये वो तमाम मुमकिन ऑप्शंस हैं जो आइनी तरमीम लाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर मौलाना की बात करें उनकी बयानात से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि वो इस वक्त कहाँ खड़े हैं। कल उन्होंने जब ये बयान दिया, जो मसौदात इस वक्त शेयर किए गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जमीयत उलमाए इस्लाम की तरफ से भी, तो उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है और जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं और जो चीज़ें हमने मुतालबा की थी वो कबूल हो जाएंगी इंशाल्लाह। इस बयान के बाद क्या सराइयाँ शुरू हो गईं कि मौलाना ने आइनी तरमीम के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन करी रात को जलसे में तकरीर करते हुए ग्रीन सिग्नल लगता यूं था कि शायद रेड सिग्नल में तब्दील हो गया। से तुम अपने मफादात के तरामीम हासिल करते हो, तुम मेरा आईन बिगाड़ते हो, तुम इस कौम की वहदत की अलामत को खत्म करते हो। हम पाकिस्तान की वहदत की इस अलामत का तहफ्फुज़ करना जानते हैं। हाथ उठाकर अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर अहद पैमान करें कि अगर मेरे आईन के साथ तुमने खिलवाड़ किया तो ये आवाम उस सड़कों पर निकलकर तुम्हें एवारों से घसीट कर बाहर लाए। इससे कतई नजर के मौलाना माने या नहीं, हुकूमत का कौमी असेंबली और सेनेट का इजलास बुलाना इस तरफ इशारा कर रहा है कि हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए शायद मतलूबा नंबर्स गेम या कम अज कम जबानी अश्योरेंस मौजूद है, क्योंकि एक फेल्ड अटेम्प्ट के बाद दोबारा नाकामी जो है वो हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। और वो भी SCO का जो कि कामयाब इवेंट करवाने के फौरन बाद। ये बड़ी हैरानी की बात है कि एक तरफ पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट चल रहा है तो दूसरी तरफ हुकूमत और इत्तेहादी आईनी तरमीम पर मुसलसल मुशावरत और पार्लियामान की खसूसी कमेटी का इजलास बुला रहे हैं। पार्लियामानी कमेटी का खसूसी इजलास जो है वो कल तलब कर लिया गया है। 11 अक्टूबर को मुजवजा आईनी तरमीम पर पार्लियामानी रहनुमाओं के दरमियान इतफाक नहीं हो सका था। 12 अक्टूबर को फिर इजलास हुआ था जिसमें वजीर कानून के सरबराही में जेली कमेटी बनाई गई थी। 14 अक्टूबर को इजलास भी बेनतीजा ख़त्म हुआ था। 14 अक्टूबर के इजलास में चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह ने जेली कमेटी को 2 दिन में अपना काम मुकम्मल करने की हिदायत की थी। कल इजलास में खसूसी कमेटी जेली कमेटी के आइनी मसविदे के बारे में तजावीज़ का जायज़ा लेगी। अगर हम मुशावरत में मौजूद कुछ जमातों के आइनी मसविदों पर नज़र डालें तो सूरत हाल कुछ इस तरह की है। ANP ने वफाकी आइनी अदालत की हिमायत जबकि सूबाई आइनी अदालत की मुखालफत की है। 7 चीफ जस्टिस की 3 साल के लिए तकर्री की भी मुखालफत की है। MQM ने अपने मसवदे में बल्दियाती इदारों में इख्तियारात मांग लिए हैं जिसके बदले में आइनी तरमीम की हिमायत की जाएगी, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम ने आइनी अदालत की मुखालफत की है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बेंच बनाने की तजवीज़ दी है, जबकि जजेस की तकर्री का तरीका 18वीं तरमीम के मुताबिक तजवीज़ किया है। जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मसवदे पर नज़र डाली जाए तो वफाकी और सूबों में आइनी अदालत का क्याम, आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की मियाद 3 साल, आइनी अदालत का फैसला हतमी तसव्वुर किया जाएगा, सूमोटो का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट की बजाय आइनी अदालत के पास होगा, आइनी अदालतों में जजेस की तकर्री वफाकी आइनी कमीशन करेगा। अब ये सूरत हाल नाज़रीन बड़ी दिलचस्प है। जिस आइनी अदालत का झंडा जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ने उठाया हुआ है वो जमीयत उलमा इस्लाम के मसवदे में है ही नहीं, बल्कि उसकी जगह बेंच है। और इतने बड़े तजाद के बावजूद हुकूमत का कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाने का इंदिया देना शायद ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ उनके पास है। क्या मौलाना हुकूमत की हमायत की हामी
या हमी जो है वो भर चुके हैं। क्या हुकूमत वाकई में 17 अक्टूबर को आईनी तरमीम लाने जा रही है? क्या हुकूमत और इत्तेहादी आईनी अदालत की बजाय बेंच पर रजामंद होने की पोजीशन में है? तहरीक इंसाफ का उस पर क्या रद्द अमल होगा?